नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ दोस्तों अच्छे हैं आप सब। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर, जिन लोगों ने नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों दो तीन लोग का कमेंट आया था कि भाभी आप ऐसे क्यों लग रही हैं, तो आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि जैसे कुछ करना नहीं, पुराने जो बिंदी रहता है उसको लगा लिया जाता है, तब उसी लिए दोस्तों इसमें हम सिंपल तरीके से रह रहे हैं। तो इसी तरह वीडियो बना दे रहे हैं, तो आप लोग बार बार कमेंट में पूछ रहे हैं क्यों आप उदास लग रही हैं। तो चलिए हम वीडियो बना के आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि छत पर मोर बैठा है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह के टाइम ये सब छत पर आके बैठते हैं, तो मैं वीडियो बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छा लग रहा है, बहुत बैठता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। देख रहे हैं कि आज हम कुछ भी जैसे बना नहीं सकते हैं, अभी उबले चीज़ हुआ, भाप वाला चीज़ हुआ, मीठे चीज़ हुआ, तो ये सब बना सकते हैं। तो आप लोग को सोच रहे हैं कि वीडियो भी हमारा चलते रहे, आप लोग को रेसिपी भी दिखाते रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज चल रहे हैं सूजी के रसगुल्ले बनाने के लिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं आधे के जी सूजी ले लिए हैं, और सूजी को लेकर अच्छे से चाल लिए सूजी में, क्योंकि इसमें कीटाणु पड़ जा रहा है, तो सूजी को हमने चाल कर अच्छे से ले लिए हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि चीनी आधे के जी लिए चाशनी बनाने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं काजू बादाम, तो काजू बादाम को अच्छे से पीस कर हम इसमें डालेंगे। और यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि 1 लीटर दूध है। तो दोस्तों चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें देख रहे हैं कि 10 पीस इलायची, 10 पीस यहाँ पर इलायची लिए हैं। इलायची जैसे रहता है कि रसगुल्ले में स्वाद बहुत अच्छा बढ़ाता है, तो इसलिए हम डालते हैं इसमें। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, वीडियो जब भी हमारा पड़ता है आप लोग देख सकते हैं, एक दिन बाद पड़ता है, तो रात में काफ़ी बारिश हुई थी। देख रहे हैं इससे बट्टे से भी पानी जमा था यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, काजू बादाम को लेकर इसमें डालेंगे। काजू बादाम डालने से रसगुल्ला का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। कि आप लोग को पंख दिखाई पड़ रहा होगा, उसका मोर का जैसे है जामुन का पेड़ है, अब नाचते नाचते दूर हो चला गया है, आप लोग को दिखाई अब नहीं पड़ता होगा। जैसे वो सब आवाज़ सुनते हैं उस तरह दूर हो जाती है। तो आप लोग देखिए उसका पंख दिखाई पड़ रहा है ऊपर से डांस, वो सब इसी तरह सुबह के टाइम जैसे ठंडा मौसम में नाचते हैं इसी तरह पंख फैला के। तो यहाँ पे देख रहे हैं पंख फैला के बहुत अच्छे से नाच रहे हैं, आपको पंख दिखाई भी पड़ता होगा। मोर जैसे है पहले रेलिंग से ढका गया है, अब बहुत अच्छे डांस कर रहा है यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो सुबह टाइम में इसी तरह से वो घेरे करके डांस अपने करते हैं। यहाँ पे इलायची छिड़के उतार के इसको ले लिए हैं, यहाँ पे दरबरे काजू बादाम को भी पीस के ले लिए हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अब। तो अब इसमें हम कढ़ाई रख दे रहे हैं, तो कढ़ाई मिट्टी के लिए देख रहे हैं लगा लिए हैं, तो कढ़ाई को इस पर रख रहे हैं। अब कढ़ाई में जैसे देख रहे हैं कढ़ाई गर्म है, इसमें हम दूध डाल दे रहे हैं। दूध थोड़ा आपको गाढ़ा चाहिए यहाँ पर, दूध को डालकर अच्छे से एक उबाल पहले दूध को हम पकाएंगे। जैसे गर्मी का मौसम रहता है तो कभी कभी दूध फटने का भी डर रहता है, जाता है, उसके बाद आप इसमें डालिए। देख सकते हैं कितने गाढ़े दूध हो चुका है, दूध पकते पकते आप देख रहे हैं कितनी गाढ़े हो चुका है दूध। अब इसी में हम डालते देख रहे हैं यहाँ पर इलायची को भी डाल देंगे। इलायची को डालने के बाद से इसमें हम घी डालेंगे, जाके कढ़ाई में चिपके मत, अच्छे से कढ़ाई में से छूट जाता है। घी डालने के बाद से यहाँ पर देख रहे हैं सूजी को हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, एक साथ में सूजी को नहीं डालेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं सूजी को डालकर इसी तरह हम चलाएंगे अच्छे से। तो आज को देख रहे हैं कि हम मीडियम कर दिए, बिल्कुल मीडियम आज को करके इसको अच्छे से पकाना है आपको, आप देख सकते हैं। अब इसको एक प्लेट में हम देख रहे हैं घी लगाएंगे, पहले इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देख रहे हैं कि बड़ी थाली में लेकर इसको हम अच्छे से इतने हाथ से इसको मस लेंगे। ये बहुत ज्यादा गर्म है, आपको ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद मसलिए इसको। अच्छा, एक करछुल से लेके इस तरह आप मसल सकते हैं इसको, करछुल से भी इस तरह से गरम गरम आप इसको मसल सकते हैं। बहुत गर्म है अभी, तो इसको हाथ से हम छू नहीं सकते हैं, तो इसी तरह से पलटा के सहारे से, करछुल के सहारे से इसको हम दबाते जाएंगे, इसी तरह से मसलते जाएंगे। थोड़ी से ठंडा हो जाएगा तो हाथ में घी लगा के हम मसलेंगे इसको। तब तक ठंडा हो रहा है तो इसमें हम डालेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 2 कप पानी हम डालेंगे इसमें। पानी के डालने के बाद अब चीनी इसमें डालेंगे, चीनी को चलाएंगे जब तक चीनी गल नहीं जाएगा। बनाकर घी लगाकर इसको अच्छे से चिकना करेंगे हम। अभी भी बहुत काफ़ी गर्म है,
आप देख सकते हैं भाप निकल रहा है इसमें से। ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से इसका चिकना नहीं हो पाता है। डू आइट हमारा अच्छे से घुल गया है, हम हाथ से मसलेंगे अच्छे से। इसको डो को मसल के चिकना बिल्कुल करेंगे अच्छे से। हाँ। बिल्कुल अच्छे से चिकना हो गया है गोले। अब इस तरह देख रहे हैं कि हाथ पे लगाएंगे घी को, इसके गोले हम इस तरह लेंगे, छोटे बड़े जैसे गोले आपको लेना है। इस तरह हाथ से पहले एक बार मसल लेंगे, फिर इसको इस तरह करेंगे। इसके अंदर हम काजू को भरते जाएंगे। आप काजू को काट के भी भर सकते हैं, बाकी इस तरह से बहुत अच्छा रहता है। आप देखिए इस तरह से मुन ले रहे हैं इसको। तो देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से चिकने करेंगे अच्छे से। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने बनाए हैं, तो एक भी दरारा इसमें नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। आपके दरारा रहता है तो फटने का डर रहता है। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी बन गया है। तो इसको बना के इस तरह से रखते जाएंगे, फिर इसी तरह से दूसरा भी बना लेंगे, सारे बनाते जाएंगे। तो चाशनी यहाँ पे देख रहे हैं कि अच्छे से एक उबाल आ चुका है। इसमें हम डालेंगे दूध को 2-3 चम्मच, जाके इसके जो कचरे है ऊपर से निकल जाए। हरे कचड़े को हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से कचड़े निकल जाता है इसके का जो रहता है। आप नींबू भी डाल के इसके कचड़े निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं कितने कचड़े निकल गया यहाँ पर। इस तरह से चाशनी हमारा सफा रहता है तो रसगुल्ले बिल्कुल सफा होता है। हमने निकाल लिया अच्छे से, तो एक उबाल अच्छे से आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो करेंगे को थोड़ा सा सीधे तिरछा लग रहा है। अब इसी में हम तुरंत इसको डालते जाएंगे। इसको इसी तरह से हम डाल देंगे इसको। इसको कोई हमको तारो नहीं बनाना है, बस इसी तरह में इसको हम डालते जाएंगे। जब एक उबाल चाशनी 2 उबाल आ जाता है अच्छे से, उसके बाद हम डालते जाएंगे इसमें। अगर आप 5 मिनट अच्छे से फूलते हैं, पहले पकाएंगे, ढकना नहीं है आपको बिल्कुल। 5 मिनट पकाने के बाद से उसके बाद हम इसको ढकेंगे। तो चलिए अब इसी तरह 5 मिनट पका ले रहे हैं। अब देख रहे हैं दोस्तों कि आप उबाल हो के 2-3 उबाल अच्छे से आ गया है। अब देख रहे हैं इसको चम्मच से हल्के हल्के हाथ से इस तरह हम दबाते रहेंगे। तो देख रहे हैं आप 2-3 उबाल आ गया है, बहुत अच्छे से रसगुल्ला यहाँ पे पक गया है। अब इसको हम जैसे देख रहे हैं कि आप ढक कर हम 5 मिनट अच्छे से 10 मिनट पकाएंगे। ये जैसे दुगना साइज हो जाएगा। तो पहले आपको खुलते हुए टोटल 5 मिनट पकाना है अच्छे से, उसके बाद रसगुल्ले को ढक कर पकाना है। तो चलिए अब हम इसको ढक कर पकाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि थाली से इसको हम ढककर 10 मिनट अच्छे से पकाएंगे बिल्कुल। अब इसको ढककर इसी तरह हम पकाएंगे। तो अब दोस्तों देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से पक चुका है यहाँ पर। ये जब ठंडा हो जाएगा दोस्तों, तो कोई भी डिब्बे में आप निकाल कर इसको रख सकते हैं। अब बहुत अच्छा देख रहे हैं, दुगना फुलकर हो गया है, रसगुल्ले बहुत अच्छा बन के तैयार है। फिर नए वीडियो के साथ आप सभी से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। क्योंकि बहुत तगड़ा हौका आने वाला है।